भाई सब टीआरपी का उनका खेल है, सबको मजा आ रहा है इस चीज में। तो धरती पर कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो हमें कपा दे पहले। तो दोस्तों लव कटारिया बिग बॉस के घर से एविक्ट होने के बाद अभी उनका इंटरव्यू आउट हो चुका है। लव कटारिया ने एविक्शन इंटरव्यू के अंदर बोला है कि सब टीआरपी का खेल है, मुझसे टीआरपी ली गई, मेरा बस यूज किया गया है बिग बॉस के घर के अंदर। जब तक बिग बॉस को टीआरपी मिल रही थी तब तक मुझे घर के अंदर रखा, एंड जब विनर बनाने की बात आई तो किसी और को विनर बना रहे हैं। पूरे सीजन के अंदर बस मुझसे और अल्विस यादव से हाइप ली है। साथ ही में कटारिया ने बोला कि पूरे बिग बॉस के घर के अंदर मैंने मेरे मुद्दे खुद उठाए हैं, एंड जहां पर मुझे कुछ बोलना था मैंने वहां पर सब कुछ बोला है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, आप लोग देखिए। भाई सब टीआरपी का खेल है, सबको मजा आ रहा है चीज में। सबके लिए ऐसा है तो धरती पर कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो हमें कपा दे पहले। वो ये कह रहा कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये सब, मतलब भाई क्या हो गया। गाय की शरीर बहुत बड़ा हो और एक होता गुद्दा, करता नहीं है भाई जो गलत काम मैंने किया मान रहा हूँ। इंसर्ट्स इतना आगे बढ़ रहे हैं, यूट्यूबर्स इतना आगे। साथ ही में कटारिया ने इसके अंदर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। कटारिया का कहना है कि बिग बॉस ने पहले से ही विनर डिसाइड करके रखा था, एंड घर के अंदर मैंने तो एक सांप भी पाला है जो कि सना मकबूल है। मैंने उसे दोस्त दोस्त बोला लेकिन उसने यहाँ पर डस लिया मुझे, क्योंकि सना मकबूल के पास में ऑप्शन था मुझे रखने का घर के अंदर, लेकिन सना मकबूल ने ही मुझे बाहर निकाल दिया। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।